लगातार गंगा का पानी बढ़ने से आसपास के लोगों में काफी दहशत की स्थिति हो गई है। 24 घंटे में लगभग 6 से 7 फीट पानी बढ़ा है। गंगोत्री सेवा समिति के सचिव पंडित दिनेश शंकर दुबे ने बताया कि गंगा के किनारे सारे मंदिरों में पानी भर गया है। पुलिस चौकी भी पूरी तरह से पानी के आगोश में है। घाट किनारे जीविकोपार्जन करने वालों के सामने रोजी रोटी के संकट आ गए हैं। सभी नाव भी जहाँ के तहाँ खड़े हुए हैं। अगर यही हाल रहा तो एक दो दिनों में पानी सड़कों पर आने से कोई नहीं रोक सकता। वाराणसी से सूरज यादव की रिपोर्ट। अपना नाम और पर्ची दे देगा। मैं पंडित दिनेश शंकर दुबे, सचिव गंगोत्री सेवा समिति। गुरु जी, क्या स्थिति है गंगा का अभी? तो इस समय माँ गंगा के बाढ़ में बड़ा भयाव रूप ले चुका है। कल से 24 घंटे से अभी तक करीब 6 फीट पानी बढ़ चुका है। आप देख सकते हैं माता शीतला का भी पूरा गर्भगृह डूब चुका है और बगल में जल पुलिस में भी पूरा जलमग्न हो चुका है। आगे मनकनका घाट पर सौदागृह भी पूरा चौथे तले पर इस समय हो रहा है। हरिश्चंद्र का भी वही हाल है। तो इस समय पूरे काशी के जितने भी मंदिर थे घाट किनारे के सभी जल में समा चुके हैं। तो घाटों के आसपास रहने वालों की क्या स्थिति है? समय तो हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि नाविक बंधु हों चाहे पुजारी बंधु हों चाहे गंगा आरती करने के लिए हो, रोज प्रतिदिन हमें स्थल बदलना पड़ रहा है। और आगे भी अगर पानी का तो कोई ठीक नहीं है, वो आगे भी जा सकती हैं, कभी भी रुक सकता है। लेकिन अभी तक तो जिस हिसाब से पानी पीछे से चला आ रहा है, अभी निश्चित लगता है कि 10-15 फीट पानी और बढ़ना चाहिए। तो सरकार से कुछ मदद मिल रही है कि नहीं? सरकार की तरफ से अभी तो मदद नहीं चालू हुआ, लेकिन जो ढाप क्षेत्र है वहाँ पर उनका चालू हो चुका। अभी ये शहरी क्षेत्र है, यहाँ भी धीरे धीरे जब तक पानी ऊपर नहीं जाएगा तब तक से नहीं कुछ। तो आप लोग कुछ मांग करते हैं? मांग क्या करते हैं, शाम के समय आरती के समय थोड़ा भीड़ हो रहा है, तो इस समय आज से तो आरती यहीं पे होगी, इस छत पे होगी जहाँ हम अभी खड़े हैं। तो यही है कि जो यहाँ आने वाले श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ों की संख्या को आगे थोड़ा थोड़ा रोका जाए, डाइवर्ट किया जाए, ताकि शाम को इकट्ठी भीड़ ना हो पावे। बब्बू जी, किस तरह से गंगा बढ़ रही है तेजी से? इस समय मैं सुबह 7 बजे से आया हूं, अभी तक लेके कम से कम 20 से 22 इंची पानी आया है। देखते देखते सुबह से अभी तक लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। अभी पानी में कोई रुकावट नहीं और पानी बढ़ने की भी बहुत संभावनाएं हैं। तो क्या आसपास के मंदिरों में भी पानी? सारी मंदिर में घाट का सब संपर्क टूट गया है, यहाँ घर मकान कितने पानी के अंदर हो गए हैं, इसके लिए जन लोगों को बड़ा समस्या हो गया है। जल पुलिस की क्या है ये? जल पुलिस में देखिए आ गया है पानी, लोग अपना कहीं दूसरा कहीं व्यवस्था अपना लगाए हुए हैं। तो आगे क्या उम्मीद लगता है? अभी हमको उम्मीद लग रहा है कि पानी भी 3 दिन लगातार इस तरह बढ़ेगा। तो आप लोग स्थानीय दुकानदार है कुछ? हम लोग स्थानीय दुकानदार है। हम लोग तो भाई क्या, जब पानी आ जाएगा तो हम लोग बंद कर देंगे, क्या करेंगे? और सबसे बड़ी समस्या होगी, हम लोग खाली करके सामान रखने की समस्या बहुत ज़्यादा हो गया। कहाँ रखा जाएगा, क्या किया जाएगा, इसके लिए भी बहुत हम लोग का दिमाग स्थिर में नहीं है। प्रशासन से कुछ मांग करते हैं? प्रशासन से कुछ सहयोग चाहते? प्रशासन का क्या सहयोग हम लोगों को मिल पाएगा बताइए? अगर कोई प्रशासन सहयोग हम लोग को देना चाहती है तो भाई उनके ऊपर की बात है, मैं कुछ क्या कहूँ इसे।